वो बहुत चालाक है, उसे सोचने का टाइम बिल्कुल नहीं देना। दुश्मन को हराने का मौका अक्सर दुश्मन आपको खुद देता है। फाइनली दोस्तों, बॉलीवुड सुपरस्टार अजय देवगन की फिल्म दसम टू बॉक्स ऑफिस पे अपने 13 दिन पूरे कर चुकी है। और दोस्तों आज इस फिल्म का 14 दिन, और दोस्तों आपको बता दें कि शुरुआती 14 दिनों में यह फिल्म अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी फिल्म बनने वाली है। और दोस्तों साथ ही यह फिल्म बॉलीवुड की इस साल की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनने वाली। तो दोस्तों अगर आप फिल्म दसम टू को देख चुके हैं, जानना चाहते हैं फिल्म के शुरुआती 14 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। आइए शुरू करें। दोस्तों डायरेक्टर अभिषेक पाठक के डायरेक्शन में बनाई गई फिल्म दसम टू ने अपने शुरुआती 13 ही दिनों में लगभग 210 करोड़ की कमाई दुनिया भर से कर ली है। और दोस्तों आज इस फिल्म का 14वां दिन हो, दोस्तों आज के दिन में यह फिल्म लगभग 7 से 8 करोड़ की कमाई दुनिया भर से कर रही है। इसी के साथ इस फिल्म का टोटल 14 दिनों का कलेक्शन लगभग 218 करोड़ का हो जाएगा। और दोस्तों जैसा इस फिल्म का क्रेज देखा जा रहा है, यह फिल्म आने वाले 1 से 2 हफ्तों तक और चलने वाली है। और दोस्तों यह फिल्म अपने लाइफ टाइम में लगभग 300 करोड़ तक की कमाई करते हुए एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म बन जाएगी। तो दोस्तों आपको फिल्म दसम टू कैसी लगी, और आपको क्या लगता है यह फिल्म अपने लाइफ टाइम में कितना कलेक्शन कर सकती है, आपकी राय में कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसे वीडियोस को सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बॉक्स ऑफिस ज्ञान को।